वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग जिम्बाब्वे के टूर के हवाले से बात कर रहे थे, और आपको दोबारा बता दूं क्रिकेट वर्ल्ड का जो लाइव नंबर है वो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। प्लीज़ हमें कॉल करें और अपने क्वेश्चन जिम्बाब्वे के टूर के हवाले से, फिर इंडिया ने कुछ बयान दिए पाकिस्तान के इस इंसिडेंट में जो कराची में हुआ था इसके हवाले से। मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया को बड़ी खुशी होती है हमारे साथ जब भी कोई मसला होता है, फ़ौरन उन्होंने बयान दे दिया कि जिम्बाब्वे की टीम को नहीं चाहिए पाकिस्तान। इनके पीछे क्या सियासत है? यार देखो, एक तो सियासत है और एक कुछ फाइनेंशियल रियलिटीज़ भी हैं। इंडिया के लिए ऐसी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि पाकिस्तान इंडिया आए, इंडिया को पाकिस्तान ना जाना पड़े। ओके, जब भी पाकिस्तान, जो भी कंट्रीज़ किसी के मुल्क में जाती हैं, ज़्यादातर पैसे उनके होते हैं, राइट? तो रेसिप्रोकेशन के आपको उनके मुल्क जाना पड़ता है। इंडिया का कैलेंडर ऑलरेडी इतना बिजी है, या आपस में खेल खेल के, ये टॉप थ्रीज हैं खेल खेल के आपस में, अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ और उनको पाकिस्तान भी जाना पड़ जाए तो इनका जो क्रिकेट कैलेंडर जो है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं इम्तियाज, मगर ये तो दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने वाले हैं, उस पिछले हम बात कर रहे थे। वो तो खेलेंगे, तो नहीं, मतलब काशिफ कह रहे थे कि सीरीज अभी, आई मीन ठीक है, कुछ मसले मसाइल उसमें होगा, मगर लुक्स लाइक के मोर देन लाइकली दिसंबर के अंदर पाकिस्तान की और इंडिया की सीरीज यूएई में होगी। मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यूएई में भी नहीं होगी और इंडिया में होगी। वो तो और अच्छी बात करें, इंडिया में जाके खेलें, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जाके खेलें। तब तक जब इंडिया में होगी तो इंडिया बोलेगा कि वी वांट द बिगेस्ट शेयर ऑफ द मनी, मगर आई डोंट थिंक दैट्स, आई मीन यू आर जस्ट मेकिंग एन असम्पशन कैसा होगा। मगर इंडिया ने अभी तक, देखो प्रोडक्ट रियलिटी डिस्कशन में कहीं भी ये बात नहीं है कि इंडिया में होगी, डिस्कशन में मसला ये हो रहा है। उन्होंने उन्होंने ऑप्शन दिए नहीं, मगर ब्रॉडकास्टिंग राइट का मसला है कि अभी प्रेफर्ड प्लेड इंडिया, मगर बासल में सिर्फ ये मेरे भाई कि भाई इंडिया के लिए एक और कैलेंडर प्रोड्यूस करना है, इसमें पहली बात तो ये, सच्ची बात ये, कौन पाकिस्तान जाएगा? तो मैं इंडिया को इस बात पे दोष नहीं सकता कि भाई वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, ठीक है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर क्रिकेट कैलेंडर के अंदर उनको अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी यहाँ भी करें, उनके लिए कुछ पाकिस्तान के बावजूद उतने बिजी हैं नहीं। मगर इम्तियाज, एज इंडियन फैंस, राइट, उनकी जो 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, क्या कोई सीरीज इंडिया के लिए, चाहे वो इंडिया इंग्लैंड हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया साउथ अफ्रीका हो, श्रीलंका के साथ, तो क्या उनके लिए, उनके फैंस के लिए किसी और सीरीज की इतनी वैल्यू होगी जितनी इंडिया पाकिस्तान के साथ है? क्या उनकी कोई व्यूअरशिप इतनी होगी इंडिया? बात करनी है, दे विल प्रोबब्ली मेक 3 times मोर हियर इफ पाकिस्तान गोस टू इंडिया। और बाबा स्टिल, आई मीन दे कैन रन ऑन देयर लोकल चैनल्स कमर्शियल फलाना ढिमका, आई मीन दे विल स्टिल मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट पूरे एक मुल्क को थोड़ी मिलते हैं, अगर मतलब पैसे स्प्लिट ही होंगे ना, या 100% एक मुल्क रखेगा। जैसे बांग्लादेश गया ना पाकिस्तान, ठीक है, तो बांग्लादेश जब जाता है ना तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, ठीक है, आपको एक सर्टन अमाउंट स्टाइपेंड मिलता है, बट ऑल ब्रॉडकास्टिंग मनी गोज टू द जो मुल्क का बोर्ड होता है, इसकी रेसिप्रिकेशन ये होती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान जाता है, हिसाब बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाता है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश नहीं आया तो पाकिस्तानियों ने जरा गड़बड़ कर दी, हमें $3.5 लाख चाहिए, बांग्लादेश को देना पड़े। वो अब ये होगा कि अगर इंडिया बोलता है नहीं नहीं आप इंडिया में आए कराएं, कि एसएल ग्रुप जो है, जो कि एक समझ में नहीं आता, टेनिस स्पोर्ट्स की जो पेरेंट कंपनी, टेनिस स्पोर्ट वो भी इंडियन कंपनी है, राइट, इंडिया वाले, मगर उनकी हिस्ट्री जो है ना पीछे, वो आईसीएल की वजह से है, जो भी हो। मगर सर उनको यही मसला श्रीलंका के साथ होगा, यही, क्योंकि श्रीलंका के अंदर भी जब ओपन बैटिंग होगी तो मोर देन लाइकली टेनिस स्पोर्ट्स जीतेगा, भाई मेरे जिम्बाब्वे के साथ भी होगा, और उन्होंने क्यों मसला खड़ा करे हमारे लिए? भाई ऑलरेडी ये जा चुके खेल, पिछले वजह श्रीलंका गए थे उसमें एसएल ग्रुप भी टेनिस स्पोर्ट्स ही दिखा रहा था, अच्छा, उसमें कोई मसला नहीं था। अब चूंकि पाकिस्तान के साथ हो गया, ये मसला है, वो हर वो बहाने ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज ना हो। मगर एक बात, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये कर भी देंगे ना तो इंडियन गवर्नमेंट आके एट द 11th आओ, हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे प्रेडिक्शन भी यही है कि एक दो हमारे पागल भाई कोई ना कोई हरकत करेंगे यूएई के अंदर, कहीं ना कहीं हरकत करेंगे कि इंडिया में आके को बम फाड़ दिया, ये कुछ कर देंगे, ओ पाकिस्तान पर ये धन 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 ही होगा। मेरे प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान के एक सर्टन एलिमेंट है जो नहीं चाहता इंडिया के साथ कुछ हो, इस तरह इंडिया के अंदर सर्टन एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं आता, ये जो हालात बेहतर हो हमारे आपस में, दीज पीपल पूरे 99.99% ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी को हॉस्टेज बना के रखे हुए, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। थोड़ी क्रिकेट के हवाले से बात कर लें सर। बहुत हो गया, ये मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान की जो नई टीम जो है वनडे की जो है, ठीक है, उसमें अंदर काफ़ी बुराई आई, दो एलिमेंट थे, एक तो पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली, दूसरे के बांग्लादेश एक्सेप्शनली बेहतर खेले थे वनडे की सीरीज के अंदर, एंड आई थिंक उनका मोमेंटम वर्ल्ड कप से बना हुआ था, और उन्होंने इंग्लैंड को हराया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, उन्होंने दे बिल्ड ऑन इट अपने मुल्क के अंदर आके, मगर चले एंड में उनकी तबीयत भी थोड़ी
फ्रेश हो गई होगी कि 328 रन से वो टेस्ट मैच में हारना बहुत शर्मिंदगी की बात है। पहले टेस्ट मैच भी हारते लेकिन वो उनकी जो ओपनिंग पार्ट थी हमारे मगर कैच भी हमने बहुत ड्रॉप किए थे। ठीक है, पहले इनिंग में अच्छा अजहर अली के कैप्टनशिप के बारे में, लीडरशिप के बारे में, बैटिंग के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइए कि व्हाट यू थिंक। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, जबरदस्त 10 आउट ऑफ 10। कैप्टनसी पहले दिन से नहीं आती है। अब पाकिस्तानियों को चाहिए, अब जो पाकिस्तान की टीम बनी है इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, आपको प्रोसेस करना पड़ेगा इस टीम के साथ। ऐसे जो दो चार जो बंदे आए हैं, जैसे रिजवान है, आई थिंक ही इज गोना बी अ सुपरस्टार टैलेंट। अच्छा वाओ, कीपर भी बन सकता है। वी हैव अ कॉलर, वी हैव अ कॉल फ्रॉम कैलिफोर्निया। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अपना नाम बताइए और आप कहां से कॉल कर रहे हैं एग्जैक्टली। सुलेमान अहमद फ्रॉम लॉस एंजेलिस। अस्सलाम वालेकुम लॉस एंजेलिस, आप लॉस एंजेलिस से कॉल कर रहे हैं। सर पहले तो बहुत माजरत कि मेरी टीम ने एक घंटा पहले आपकी टीम को, मेरे रॉकेट्स ने एलए क्लिपर्स को हरा दिया, तो उसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मगर अंदर से बहुत खुश हूं मैं। तो सर आपकी सर आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। सर आपकी टीम 3-1 से अप थी और सिर्फ एक गेम जीता था, हमारी टीम ने आकर उसको हरा दिया। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करें। अच्छा ठीक है, आपके पास आई थिंक शुएब मलिक की बात कर रहे हैं कि जब सियालकोट के अंदर जब भी स्टालिन से खेलते हैं, पाकिस्तान में जब भी वो खेलता है बहुत अच्छा खेलता है, कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर गेम्स वगैरह हों तो 2020 की टीम के अंदर शुएब मलिक को चांस देना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का, बट द वैलिड क्वेश्चन इट्स अ 50-50। मेरी नज़र में दो चीज़ें, पहली बात तो मुबारक हो सियालकोट स्टालियंस के, मेरे ख्याल में एक और मैं देख रहा था, देख क्या वो पढ़ रहा था कि एक 49 बॉल्स पे एक लड़का है नया 20 साल का नौमान अख्तर, उसने 49 बॉल्स पे 89 वगैरह बना बनू के कराची से कराची की डॉल्फिन को हरवाया। अच्छा जब आपस में मुकाबला करते हैं तो नया टैलेंट आता है, वो भी 19-20 साल का लड़का है, उसको मैंने स्टैट्स पढ़ा, उसने 4-5 ही खेलने में 45 एवरेज है उसका, 159 स्ट्राइक रेट है उसका। तो अभी अर्ली ऑन सर जी वो एक होगा और अफरीदी का भाई जिसने आते साथ पहली बॉल से हर बॉल को मिड विकेट के ऊपर स्क्वायर लेग पे मारना चप्पू चलाने। अब दुनिया इतनी स्पेशलाइजेशन हो गई है कि आपके पास 2020 की टीम, वनडे की टीम और टेस्ट की टीम अलग अलग होनी चाहिए। इम्तियाज कहने का मकसद मैं मानता हूँ आपकी बात यार, मगर हमारे बंदों को फ्रंट फुट पे जाके बैट और पैड इतने इतने बड़े गैप है, इतनी टेक्निकल आपने 2020 के अंदर इतनी टेक्निक की जरूरत नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। देखिए जावेद मेदाद ने बोला है कि कराची के अंदर इतने बड़े शहर के अंदर जिसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, फायदा क्या जब ग्राउंड ही नहीं है यार। 23 टीमें, 23 मेन क्लब्स हैं, उसका कहना यह कि कराची जैसे शहर के अंदर 1000 क्लब होने चाहिए, ये समझ नहीं आती ये पैसा पीसीबी कहां लेके जा रहा है। पीसीबी का चक्कर यार, जो भी हो पीसीबी को हम जैसे काशी जो हमेशा पीसीबी की पढ़ाई कर रहा होता है यार, नहीं भाई पीसीबी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द टोटल वर्क। अब नहीं इतिहास मैं पहले कर रहा था कि मैं कराची जी में ग्राउंड में खेला हूं, सारे ग्राउंड के अंदर फ्लैट बने हुए नहीं, मगर तो बड़ा टैलेंटेड होगा बंदा करेगा क्या तो भाई कराची से बाहर के ग्राउंड बने नहीं करा। अगर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की डेवलपमेंट पीसीबी को नहीं बोलूं तो क्या रेलवे को बोलूंगा मैं, तो किसकी जिम्मेदारी है ये, तो भाई गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। तो भाई पीसीबी इज जस्ट एन एक्सटेंशन, अगर आप ये मैं जायमजाद की बात को टोटली इतफाक करता हूँ कि पीसीबी जस्ट लाइक एवरी अदर कंट्री डीपोलिटिसाइज होना चाहिए कि इसके अंदर वो लोग सारे पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट अंगूठा छाप क्रिकेट के हवाले से इनको अलग नहीं पता बैठे हुए। अरे चलो एक पीसीबी को चलाने के लिए कोई क्रिकेटर की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्रिकेटर होने की खराबी होगी। पीसीबी शुड बी रन लाइक अ बिजनेस, उसके लिए एक बिजनेस लीडर, कोई एमबीए जिसको पता हो। मैं 4 महीने पहले पूरा प्लान मैंने दिया था कि उस बंदे को लेके आए जिसको, जैसे यूएस में भी होता है कोचेस अलग होते हैं, कोचेस जो जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं किसी रॉकेट्स की टीम के या टेक्सन्स के या न्यूयॉर्क जायंट्स के, वो एक बिजनेस लोग होते हैं, उनको दे नो हाउ टू डेवलप एन इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जैक्टली, देखिएगा जितनी भी टीमें होती है ना
उसके जो फ्रंट ऑफिस के लोग अलग होते हैं, जनरल मैनेजर्स यूजुअली आर सीईओस और कोचेज होते हैं एक्स प्लेयर्स। ये दुनिया की यहाँ तो कुछ भी नहीं हमारे पास, एक जर्नलिस्ट आके चला रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कहने का मकसद ये, शोएब मलिक का मैं जवाब दूंगा। प्लीज डू। शोएब मलिक टैलेंटेड वाइज बंदा जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त खेलता है, कैरेबियन लीग के अंदर भी नंबर वन नंबर टू प्लेयर था और पाकिस्तान में तो अच्छा खेलेगा। शोएब मलिक और यासिर अरफात लोगों को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था। शोएब मलिक होना चाहिए था। एब्सोल्युटली यार, दो टके का बैट्समैन है मेरे भाई। पिछले आप उसके दो तीन साल की बैटिंग देख लें, आप उसके क्लिप्स निकाल के यूट्यूब पे देख लें, देख लो। और आई बी मोर देन हैप्पी टू सी इट। वो बंदा एग्रीकल्चर, पाकिस्तान के अंदर 200 के पास प्लेयर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में तो पवागरी चलती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी बुराई हुई थी, उन्होंने उठा के स्पेसिफिकली चूज किया यासिर अरफात और शोएब मलिक को, क्यों इतने बड़े आपके सूरों और पड़े हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? ऐसा करता हूं मैं, अगले शायद अफरीदी को नहीं बुलाया, उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन खेल सकता कौन नहीं खेल सकता। शायद अफरीदी दुनिया भर में हर जगह खेलता है यार, बिग बैश में कितना खेला है, बिग बैश में उसको जगह नहीं मिलेगी, देखना था। हार्ड फॉर मी, अब नहीं मिलेगी, मिली नहीं थी लास्ट टाइम, पिछली दफा था ना, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया उसको। आई एम सरप्राइज। ओके, वी हैव अ कॉल फ्रॉम ह्यूस्टन। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अपना नाम और आई थिंक यू कॉलिंग फ्रॉम ह्यूस्टन, गो अहेड प्लीज। I'm sorry, go ahead please. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम जी फारूक है, इम्तियाज मेरे छोटे हैं, डॉक्टर इम्तियाज। अच्छा फारूक साहब बात कर रहे हैं। जी, मैं आपकी साइड की बातें सुन रहा था, बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं ये। तो वो इम्तियाज भाई, मैं वो इच्छू हूँ एक चीज का, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो सर शो के हवाले से, प्लीज शेयर करें हमारे साथ, दिस विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर इट। जी नहीं, शो इज एक्सीलेंट। अर्लियर आई सॉ द बोर्ड प्लेइंग ऑन टीवी 1, इट्स एक्सीलेंट। सर सीनियर सारा स्टेडियम दिखा रहे थे, मूसा स्टेडियम, और आई एम ग्लैड इम्तियाज साहब केम ओवर एंड यू नो हिज ऑल हिज कमेंट। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का एंड थैंक्स फॉर द नाइस विशेस। अच्छा इम्तियाज सर, मुझे ये बताइए कि ठीक है, आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान की नई जो वनडे की टीम की शक्ल बनी है, बैटिंग के बारे में आप कितना परेशान है, बॉलिंग के बारे में कितना परेशान है? अच्छा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वाट लगा देगा। मैं दोनों के बारे में बहुत ठीक ठाक परेशान हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हूँ फील्डिंग के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉलिंग की जो, क्या देखो कोई भी टीम बनाते हो ना या कोई बिजनेस चलाते हो, एक सर्टन फंडामेंटल्स होते हैं उसके, वो आप देखते हैं कौन से वीक एरिया स्ट्रांग एरियाज हैं। पाकिस्तान का जो टेक्निकली ऑन पेपर जो है ना, इट हैज़ ऑल द बेसिस कवर्ड, लेकिन टीम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो अटैचमेंट होती है, वो फील्डिंग करती है। अब मिसाल के तौर पर हमारा लेग ब्रेक जो आया है यासिर शाह, फैंटास्टिक लेग ब्रेक बॉलर, लेकिन लेग ब्रेक के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी जो टीम एज ए बॉलिंग जो है ना, वो प्रेशर क्रिएट करे। शेन वॉन जबरदस्त हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि शेन वॉन बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन स्लिप का फील्डर है, बेहतरीन कीपर है, बेहतरीन स्लिप मिड ऑफ लेग स्लिप, नहीं वो तो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो बॉलिंग है, दुनिया का नंबर वन अगर लेग ब्रेक बॉलर बना है, वो इसलिए नहीं बना है कि वो था, स्किल सेट से थे, लेकिन उससे पहले जेसन गिलेस्पी प्रेशर पड़ता था, वो प्रेशर उनका इतना उसको मारने जाते थे, ये लेता था, इसमें कोई शक की बात नहीं। यासिर शाह के साथ ना, ग्रेट फास्ट बॉलर, ऑलवेज हंट इन पेयर्स। एग्जैक्टली, अब यासिर शाह के लिए मसला ये है कि जब वो बॉलिंग कराने आ रहा है ना, उसको रन भी रोकने हैं, उसको विकेटें भी लेनी है। सर बेफिक्र हो जाए, नासिर जमशेद फील्डिंग नहीं करता उसकी बॉलिंग पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी हैव अ कॉलर आई बिलीव फ्रॉम शिकागो। नासिर जमशेद ने थोड़ी बैटिंग की है भाई रिसेंटली, आई विल फाइंड आउट, गलती हो जाती है किसी भी इंसान से। शिकागो से कॉलर है हमारे, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपना नाम बताइए और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मेरा नाम शमीम है, मैं शिकागो से बात कर रहा हूं। एज यूजुअल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और तो जारी रखें। और दूसरा मुझे ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि कोई कमेंट्स आप जो मोहम्मद आमिर के मुताबिक कुछ करें, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि ऑस्ट्रेलियन को क्रिकेट काउंटी क्रिकेट के लिए साइन अप कर रहे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते? बहुत September. बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कॉल करने का, ब्यूटीफुल शिकागो से ये जबरदस्त चीज़ हुई है, और थैंक यू सो मच एंड फॉर अप्रिशिएटिंग द शो कॉल करने का। और मैं डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर जो है उनका बैन खत्म होने वाला है सितंबर में, और उसके बाद तीन ऑफर्स हैं अभी। शुक्र करो काशिफ ने भी मेरे पे शोर मचाना, शुक्र करो खुश क्यों हो रहे हो, उसने चोरी की है, उसने तो बैंक लूटे जैसे लंदन के अंदर। यार देखो जो गलत बात, काशिफ भाई उसने आपके अपने को पैसे देने, क्या मसला है उसके साथ, छोड़ने बेचारा जवान सा बच्चा है।
लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई इसने T20 में, उससे पहले भी अच्छी करा रहा था। ही इज रेडी, आई रेड हिज इंटरव्यू, ही सेड कि आई एम रेडी टू। अब उसके लिए बहुत जरूरी है उसके लिए कि जाके काउंटी या ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्केलर कराए, वहाँ की जो पिचेस वगैरह हैं, वहाँ के जो स्टैंडर्ड ऑफ बैटिंग वगैरह है। द क्विकेस्ट वे ऑफ गेटिंग इंटरनेशनल रेडी, इंटरनेशनल गुजरात वाला में खेल के तो आप नहीं तैयार होंगे इंटरनेशनल। एग्जैक्टली, तो अब उसके लिए मेरे नज़र में हुसैन बात है, टीम के अंदर अच्छी बात यह है कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है यार, क्या कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एक से एक घटिया बॉलर है, 350 रन खाते हैं बांग्लादेश से, ना डिफेंड कर सकते हैं, ना पहले रोक सकते हैं, ना बाद में रोक सकते हैं, कर क्या रहे हमारे। बेसिक सही है, अगर आपको 10 के बजाय 15 बंदे आउट करने पड़े दुनिया की सारी बॉलिंग। ये बात सच है कि हमारी जो फील्डिंग जो है अब वो बॉलिंग करा रहा है, मुश्किल से एक चांस मिला ऐसी घटिया पिच पे, वो क्या छोड़ दें। अच्छा ये मुझे बताएं कि आपके ख्याल में दुनिया की इस टाइम जो टॉप 8 टीम्स है उनमें सबसे वीक टीम कौन सी है फील्डिंग के हवाले से, इज इट वेस्ट इंडीज? नो नो, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान इजीली। ये बड़े शर्म की बात है यार, आप बता तो ये तो आप ऐसे कर रहे हो, कोई नई बात है, मैं जो छोटा सा था उस वक्त से वीक थी, तो आप मुझे तो आप मुझे अपनी फील्डिंग इंप्रूव करते हैं अगर बचपन से कैच छोड़े। यही बात है, प्रोफेशनलिज्म जो होती है ना, इयान चैपल ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैं बोला, तो उसके किसी बच्चे ने पूछा कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट, तो यू वांट टू बी अ गुड प्लेयर, यू हैव टू नो हाउ टू फील्ड, यू हैव टू लव हाउ टू फील्ड, मतलब क्यों, एंड 90% ऑफ द टाइम यू विल बी डूइंग दैट, सो इफ यू डोंट लव दैट क्रिकेट में अच्छे नहीं बनोगे। जब भी आप देखें ऑस्ट्रेलियंस देखते हैं उठा पटक जहाँ कहाँ से, ब्रैंडन मैकलम जो किस किस्म की हरकतें करता है, कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ। सर एक और कॉल आई कैलिफोर्निया से, मैं से भी मदद कर लूँ कि हमने रॉकेट ने बहुत बुरा हायर इनकी टीम को। अस्सलाम वालेकुम सर, आप प्लीज़ अपना नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। कैलिफोर्निया से, नाम है ज़ैन जीव जी। ज़ैन से भी बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल, कैलिफोर्निया में कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ओके सर, तो डॉक्टर साहब नहीं है, मैं डॉक्टर साहब को आज मैं कहता कि और आपको मैं कहूँ, आपके गेस्ट को भी कहूँ कि क्या हम हमारा स्टैंडर्ड वो हो गया कि हम जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे से भी चेक करके हम अपना कंपेयर करें कि हम क्या स्टैंडर्ड है? नहीं 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 सर, पहली बात तो यह है कि आपकी टीम के साथ हमारा अगले सीरीज आपके साथ होगी गोल्डन स्टेट से, मेरा ख्याल है। कहने का मकसद बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, पॉइंट ये था जिम्बाब्वे इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज के व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, लाइक कि पाकिस्तान में 2009 से क्रिकेट नहीं हुई, तो सर उसके हवाले से बात करें, ये जिम्बाब्वे होता या कीनिया होता, इन वोंट मैटर, कीनिया होता इट मैटर बिकॉज़ देयर नॉट अनदर रिकॉग्नाइज्ड टीम। तो एक बहुत बड़ा इनका जो पॉइंट है ना, पॉइंट ये है कि देखो कि सर मेहमान आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल बात ये है कि पहली दफा कोई इंटरनेशनल टीम आ रही है, अल्लाह दुआ कर सकते हैं कि एक पीस पे सब वापस जाए, में जाएं इज्जत रख लें, लाहौर आके अप्रिशिएट करें, बसंत मनाए, कुछ करें, नहीं नहीं डू समथिंग, बट द अदर पार्ट इज फ्रॉम अ क्रिकेटिंग स्टैंड पॉइंट, पाकिस्तान इज नंबर 9 वनडे के अंदर, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टॉप 8 खेलेंगी, तो पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी होगी जिसमें पाकिस्तान की टीम नहीं होगी अगर हम नहीं जीतते, अगर हम वर्ल्ड नंबर 9 है, अगर जिम्बाब्वे से भी हार जाएं तो नहीं, अगर जिम्बाब्वे जीत गए तो क्या 7-8 पे 6-7 पे पहुंच जाएंगे? आई थिंक सो, आई थिंक फिर दोबारा 8 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो भी द लास्ट टीम, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अच्छा मैंने सुना कि जिम्बाब्वे वाले बहुत खुश हैं पाकिस्तान विजिट करने के लिए, उन्होंने अपने लोगों को बोला अगर पाकिस्तान में तो बहुत अय्याशी है, सुना हमने सिर्फ दिन में 2 बिजली जाती है, अजीब रेसिस्ट आदमी हो नहीं क्या, और उन्होंने अपने आशिफ के साथ टाइम गुजारना छोड़ दो, अच्छी बातें करो, उसने तो अपनी अम्मियों को बोला अम्मी हम जा रहे हैं पाकिस्तान अय्याशी करने के लिए, तो आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे, वो लोग आ रहे बड़ी खुशी खुशी से आ रहे हमारे मेहमान, इंशाल्लाह लाहौर के लोग उनका बहुत ख्याल करेंगे, नहीं लाहौर के लोग उनका बहुत ख्याल, यू वॉच जब इंडियन गए थे ना लाहौर कराची, दे वर इंप्रेस्ड विद द हॉस्पिटैलिटी के साथ, तो हमारे मुझे पूरी उम्मीद है कि लाहौर वाले पाकिस्तान का नाक ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने सारे कजन से आगे टीम आए दोनों तरफ लाहौरियों को रोड के बराबर होना चाहिए, सब दोस्तों को कजन्स को पूरे पाकिस्तान में कराची पिशावर में ऐसा जाए कि जाओ जिम्बाब्वे वाले वापस आके बोले यार वी वांट टू डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो डॉक्टर साहब आपकी इजाजत, वी नीड टू टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, सो वी विल राइट बैक सर, नहीं काशिफ से पूछना पड़ता ना डरना शुरू कर देता, तो वी विल राइट बैक, प्लीज हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स इन अ कपल ऑफ मिनट्स, थैंक यू।